जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ मैं खुद भी किया है, मैंने खुद भी की है वो, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसके करने से साबर मंत्रों की जो साधना है वो जल्दी सिद्ध होती है। हनुमान के जो साबर मंत्र हैं, उन साबर मंत्रों में ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, हनुमान जी के व्रत सभी लोग करते हैं, तो उसी व्रत के बारे में मैं आपको कुछ विधि बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हनुमान जी के व्रत बहुत ज़्यादा संख्या में लोग करते हैं और युवा तो खैर ज़्यादातर करते ही हैं हम उम्र के, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आपको जो मैं विधि बताऊंगा, वो विधि से अगर आप हनुमान जी के व्रत करते हो तो बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा उनकी बरसनी चालू हो जाती है, क्योंकि वो जो व्रत की विधि है वो एक अलग प्रकार से है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि मंगलवार के दिन आप ये सोच करके बैठें कि मैं हनुमान जी के 5 व्रत करूंगा, बस केवल 5 व्रत। लेकिन अगर आपने बोल करके और कहे कि मैं 5 व्रत करूंगा, तो आपको 5 व्रत करने ही मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये साक्षात कलयुग के देव हैं और जो बहुत तीव्रता के साथ अनुभव देते हैं। आप 5 व्रत अगर बोल के करेंगे तो कोई ना कोई व्रत बीच में खंडित हो जाता है, पूरे नहीं हो पाते। यदि पूरे आप कर लेंगे तो फिर आप उनकी कृपा के पात्र तो बन ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो देखिए, जो मैंने किए थे उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। आपको मंगलवार के दिन सोच लेना है कि मुझे व्रत करने हैं। सुबह के टाइम आपको उठना है, करीब करीब 5 बजे आप उठिए। आज अपनी जो दैनिक दिनचर्याएं हैं कि आप स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाएं, और सबसे पहले आपको अगर आपके आसपास बंदर कहीं पे हैं, देखिए कई जगह तो बंदर नहीं मिल पाते हैं और लोग तो बंदरों को जिमाने के लिए कई कई किलोमीटर तक जाते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक जाते हैं। क्योंकि जब मैंने किए थे तो मैं बंदर जिमाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाया करता था। स्कूटर मोटरसाइकिल थी, उसको लेकर के मैं 15 किलोमीटर दूर जा करके और बंदरों को वहां पर खिलाया करता था, जाकर के केले खिलाने जाया करता था। ये उस वक्त की बात है जब मैं पढ़ा करता था। तो मेहनत मैंने भी बहुत की है, तो इसलिए देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर बंदर आपके आसपास हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है, कुछ दूरी पे हैं तो जा सकते हैं वहां पर, तो बहुत अच्छी बात है वो भी। तो कुछ केले ले जाएं और बंदरों को वहां पर आप खिला करके आए। जब वहां से आप आ जाएं, इतने आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, सुबह के टाइम आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आप स्नान कर सकते हैं, कुल्ला गातून कर सकते हैं, बस आपको पानी चाय कुछ भी नहीं पीना है, बिल्कुल एकदम निराहार रहना है आपको। जब आप बंदरों को वहां पर जिमा करके और चले आए, तो घर आकर के एक दीपक जलाएं शुद्ध घी का, हनुमान जी की प्रतिमा रखें और ज्योति जला करके जो भी आप करना चाहें उसमें आप भोग भी उनके लिए रख सकते हैं, आप अगरबत्ती धूप बत्ती हो तो वो भी आप जला सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते जी या वो नहीं कर सकते, सब जो भी आप करना चाहें वो आप उन तक उस तरीके से आप उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको भगवान श्री राम का पूजन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए वो उनके भक्त हैं,
और भगवान श्री राम की वंदना जहां होती है वो वहां साक्षात विराजमान होते हैं। कहते हैं कि अगर रामायण का पाठ हो रहा हो कहीं पर, और अगर या फिर हनुमान चाल सुंदरकांड का या रामायण का कुछ भी किसी भी तरह का पाठ हो रहा हो रामायण का, तो हनुमान जी वहां पर जरूर आते हैं, एक बार जरूर आएंगे। वो अलग बात है कि कोई उनको पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन वहां पर उनका आगमन जरूर होगा, ये 100% है। तो इसलिए राम नाम की चर्चा हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो वहां पर आपको राम जी का सुमरण भी करना है और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, आरती करें। उसके बाद आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन आपको यहां पर चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी है, बिल्कुल भी आपको चाय नहीं पीनी है, ना पानी पीना है, ना ही यहां तक कि कोई भी तिनका उठा करके भी मुंह में नहीं डालना है आपको, बिल्कुल एकदम शांत रहें। और हमेशा नजरें नीची होनी चाहिए उस दिन, कोई भी स्त्री सामने से आए तो उसके पैरों की तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए। हर स्त्री को, लड़की को, सबको माता या बहन के रूप में देखें। सबसे बड़ा यह है कि मन के अंदर आपके कुविचार नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी स्त्री के प्रति, वरना आपकी साधना में विघ्न पैदा होंगे फिर। तो जब आप इतना कर लें कि भाई, ये मैं आपको थोड़ा सा नियम भी बता रहा हूं कि आपको खाना पीना कुछ नहीं है, बिल्कुल निराहार रहना है। अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उस दिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, ना पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पी रही है तो बीड़ी सिगरेट आप पी सकते हैं, लेकिन बाकी अगर ना पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जब 2 बज जाएं, 2 बजे दिन के 2 बजे आपको स्नान करना है दोबारा। स्नान करने के बाद फिर आपको 1 लोटा जल लेना है और वो सूर्य भगवान को आपको जल अर्घ का अर्घ देना है 2 बजे, और उस वक्त में सभी देवी देवताओं के नाम बोलने हैं, माता अंजनी का, पवन पुत्र का, मतलब कि वायुदेव का, सबके आपको नाम बोलने हैं, इंद्र भगवान का, सबके आपको नामों का बोल करके उनको सबको नमस्कार करना है, और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ आप दे देंगे। उसके बाद आपको रोटी केवल उतनी बनाएं जितनी कि आप खा सकते हैं, जैसे कि आपको रोटी बना करके और उनका चूरमा बनाना है, थोड़ा गुड़ ले लें, थोड़ा घी ले लें और उसको मिला करके चूरमा बनाएं, और उस चूरमे में से आपको 3 भाग करने हैं, ठीक है, 3 भाग आपको करने हैं। 1 भाग वो होना चाहिए कि जो आप जितना खा सकते हैं उतना ही अपने लिए रखें, बाकी 1 लड्डू गाय को दे आए, 1 लड्डू काले कुत्ते को डाल दें, ठीक है, और जो 1 लड्डू बचे वो अपने लिए रख लें। उसके साथ में आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। आसन जमीन पर डालें, साफ जगह होनी चाहिए जहां पर बैठ करके तुम भोजन करो, और एक बार में उस आसन पर बैठ करके जो भी कुछ आपको खाना पीना है आप उस वक्त उसमें खा सकते हैं, खा पी सकते हैं, और आपको नमक नहीं डालना है, जो आप रोटी खाएंगे उसमें नमक ना डालें, ठीक है। कभी ऐसा ना करें कि चून में रोटी बनाते वक्त आप नमक डाल लें उसमें, तो आपको नमक का यूज नहीं करना है उसमें, ठीक है। उस वक्त में आप बैठ करके आराम से जो भी आपको खाना पीना है उसमें खा सकते हैं। उसके बाद आसन छोड़ने के बाद बिल्कुल भी आपको फिर कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ना तो रात्रि में आपको कोई पानी पीना है, ना ही एक बार आप पानी पिएंगे, एक बार ही आपको भोजन करना है, एक बार में बैठ करके जो भी कुछ खाना पीना है एक बार में खा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है बिल्कुल भी, और लेट जाए फिर रात्रि पूरी गुजर जाए, भगवान श्री राम का चिंतन रखें मन में, तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है।
इस प्रकार से अगर आप व्रत करते हैं तो आप देखना कि पांच व्रत करने के बाद आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं, पांच व्रत के अंदर अंदर ही आपको कितने बड़े बड़े अनुभव होते हैं, ये हनुमान जी की कृपा से होता है। ठीक है, और ये कोई, ये भी एक साधना ही समझिए। कोई मंत्र रूप में साधना करता है, कोई तंत्र रूप में करता है, कोई व्रत के रूप में करता है, लेकिन है साधना ही। जब आपके ये पांच व्रत पूरे हो जाएं तो फिर किसी ग्रहण में आप हनुमान के साबर मंत्र को, किसी भी हनुमान साबर मंत्र को सिद्ध करने की जो कोशिश करना, तो फिर देखना वो कितनी जल्दी सिद्ध होता है और कितनी जल्दी वो असर दिखाता है आपका मंत्र, चाहे वो कोई भी साबर मंत्र हो। ये मैंने ये आपको एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विधि बताई है जिसमें कि आपको ज्यादा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल व्रत के ऊपर ध्यान रखना है। अगर व्रत आपका खंडित हो जाता है बीच में तो फिर आपको दोबारा से व्रत करने पड़ेंगे, पहले नंबर से ही शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है, जब तक पांच आपके पूरे ना हो जाएं, और ये परीक्षा लेते हैं बीच में, तो इसलिए जो बीच में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि किसी भी स्त्री के प्रति आप उत्तेजित ना हो बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने बोला था कि नजरें नीची करके रखें, जिससे कि आपकी नजर उसके चेहरे पर जाएगी ही नहीं तो उत्तेजना कहां से आएगी। तो इसलिए नजरें बिल्कुल नीची रखें, और उन नजरों, उनकी नजर उनके पैरों की तरफ ही रखें, जिससे कि आप उनके चरणों की ही वंदना करें। बस ये समझ गया। तो इस प्रकार से आप इन, इस विधि से अगर ये व्रत पूरे कर लेते हैं और उसके बाद फिर किसी भी ग्रहण काल में आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं, हनुमान साबर मंत्र, चाहे वो रक्षा मंत्र हो, चाहे वो किसी भी चीज को, कैसा भी मंत्र हो, अगर आप वो सिद्ध करते हैं तो देखना आप वो पहली झटके में ही सिद्ध हो जाता है, और फिर वो मंत्र कार्य करता है, बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। जो एक बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो कार्य आपका 100% पूरा होगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विधि मैंने बताई है, इस प्रकार से हनुमान जी के व्रत करो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।